आज मैं आपके सामने किचन से संबंधित टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ये नींबू के छिलके को लेकर है जो हम फेंक देते हैं। इसमें डिश बार लगाकर और नल वगैरह और सिंक रगड़ के साफ कर देते हैं। इसी रगड़ने से एकदम जो पानी के दाग होते हैं, कालापन होता है, वो सब निकल जाता है। ये देखिए, मैं आपके सामने रगड़ के दिखाती हूँ। ये देखो, कालापन निकल रहा है सिंक का और एकदम चमक जाता है, ये नए जैसा हो जाता है लगभग, और कई दिन तक साफ रहता है नींबू के छिलके से और डिश बार से ही। ये देखो, आपके सामने काला कालापन निकल रहा है और इससे सिंक एकदम साफ हो जाएगा। ये मेरी पहली टिप थी, आप आजमा कर देखना, बहुत अच्छी टिप्स है। देखो, नल तो बिल्कुल एकदम नए जैसे हो गए हैं। नींबू के छिलके से साफ हो गया है एकदम। ये देखिए, अगली टिप है, शीशे के जो जार होते हैं इनका लेवल एकदम चिपका होता है और इसको उतारने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी नहीं निकलते इतनी सफाई से। इसके लिए मैं एक टिप लेकर आई हूँ कि गर्म पानी को जार में भर दीजिए और जार में भरने के बाद इसको कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको, अब 2 मिनट हो गए, इसके बाद इसको खोलकर इसको हटाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये लेबल हट गया। ये देखो कितने इजीली हट गया। बड़े काम की टिप्स है, आजमा कर देखना आप ये भी। इससे अगली टिप है कपड़ों को लेकर। वॉशिंग मशीन में कपड़े काफी उलझ जाते हैं जिनको सुलझाने में काफी टाइम वेस्ट होता है और कपड़े भी साफ नहीं होते। जहां से उलझ जाते हैं वहां से कपड़े साफ नहीं होते, तो उसके लिए क्या करते हैं कि फॉयल की 2 बॉल्स बना लेंगे और ये बॉल्स रीयूज भी हो जाएंगी। जितनी बार आप मशीन लगाओगे उतनी बार आप यूज कर सकते हैं। ये मशीन में हमने डाल दी है और जो कपड़े आपस में उलझते हैं वो भी नहीं उलझेंगे और साफ भी हो जाएंगे, पहले के मुकाबले अच्छे साफ होंगे। अगली टिप है आटे को लेकर। आटा जब हम फ्रिज में रखते हैं तो पपड़ी आ जाती है और उससे रोटियां अच्छी नहीं बनती। इसके लिए 2 उपाय हैं, या तो हम किसी कपड़े से, गीले कपड़े से ढक के रखें, अगर कपड़ा साफ कोई नहीं है तो उसको हम घी से भी कवर कर सकते हैं इस आटे को, और इसको चारों तरफ से कवर करके हम घी से और फ्रिज में रख देंगे, इससे इसके ऊपर पपड़ी नहीं जमेगी। अगली टिप है बिस्किट को लेकर। जो हम काफ़ी बिस्किट खोल लेते हैं और बिस्किट नरम हो जाते हैं, जिन्हें कोई भी नहीं खा सकता कोई खाना है, तो इन बिस्किटों को हम फॉइल में रखकर 2 मिनट के लिए आंच लगा लेंगे और जिससे इनका सीलन बन भी निकल जाएगा और करारे हो जाएंगे और फ्रेश लगेंगे, ये फ्रेश हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए इनके ऊपर आंच लगा लेंगे इनको ढक के, और 2 मिनट के बाद हम देखते हैं चलिए कि कैसे हैं बिस्किट। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे कि बिस्किट करारे हो गए हैं और देखो इनकी आवाज भी, ये देखो कैसे सुन पा रहे होंगे। हाँ, आपको ये टिप्स कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए, और बताइए ये टिप्स कैसी लगी। थैंक यू।